Hello everyone, welcome to my channel Pioneer Coaching Centre of English. Gaya students, today I am going to deal with articles MCQ multiple choice questions for competitive examination. इससे पहले कि आप मेरे वीडियो में खो जाएं, आप इसे लाइक कर दें और यदि आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को टच करके ऑल को क्लिक कर लें ताकि जैसे ही ये मेरा वीडियो अपलोड हो वैसे ही इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए. आइए हम अब MCQ आर्टिकल्स की चर्चा शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 देखा जाए, गोल्ड इज मेटल. हियर देयर इज ए ब्लैंक स्पेस बिफोर द नाउन मेटल. मेटल इज ए कॉमन नाउन. कॉमन नाउन है तो आर्टिकल ए एन हो सकता है. द तभी होगा जब वो पर्टिकुलराइज्ड हो. यहाँ मेटल पर्टिकुलराइज्ड नहीं है तो हमें आर्टिकल ए और एन यानी इंडेफिनिट आर्टिकल्स को ही की चर्चा करनी है और उसी में से एक को सिलेक्ट करना है. फिलहाल यदि ए एन की बात होती है तो मेटल का फर्स्ट लेटर में एम कॉन्सोनेंट है, अतः यहाँ एन रूल्ड आउट हो गया तो सिर्फ ए पर बात होती है. याद रखें जब भी किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन से किसी का परिचय दिया जाए, यहाँ सिंगुलर काउंटेबल नाउन मेटल गोल्ड का परिचय दे रहा है, अतः यहाँ ए का प्रयोग होगा. राइट आंसर इज नंबर ए. फिल द ब्लैंक with the indefinite article A. Now come to number 2. He is blank space fool to say this. यहाँ भी आपका फूल सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर कॉमन नाउन है और ये सब्जेक्ट का परिचय दे रहा है, अतः इसके पहले भी आपको A का आंसर आएगा. यानी आंसर नंबर B. He is a fool to say this. नंबर 3. Woman is kind by nature. यदि यहाँ एक एडवर्ब होता जनरली नॉर्मली तो फिर इसमें कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि जब भी वाइड सेंस में मैन या वुमन या ऐसे किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन को परिचय करते हैं की चर्चा करते हैं तो उसके पहले हम किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे. चूंकि यहाँ जनरल सेंस में नहीं कहा जा रहा है, सामने वाली वुमन के बारे में कहा जा रहा है, अतः द का प्रयोग करेंगे. आंसर नंबर सी, द वुमन इज काइंड बाय नेचर. So number 3, right answer number C, the woman is kind by nature. Now come to number 4. Let us discuss blank space matter. जब भी हम डिस्कशन में बैठेंगे तो चर्चा पहले से सबों को पता होगी, अर्थात ये पर्टिकुलराइज्ड होगा. Hence the is the right answer number C. Fill in the blank with the definite article the. Let us discuss the matter. Number 5. Sri Lanka lies to south of India. Now south, east, नॉर्थ, वेस्ट ये सभी वेल नोन डायरेक्शंस हैं, अतः डायरेक्शंस के नाम के पहले द लगा देना. राइट आंसर इज नंबर सी. फिल इन द ब्लैंक विद द डेफिनेट आर्टिकल द. नाउ कम टू नंबर 6. लॉट ऑफ मनी. यू सी लॉट ऑफ मनी जब भी मात्रा ओपन सेंस में हो, खुले अर्थ में हो, तो हमेशा सिंगुलर नाउन होने की स्थिति में ए या एन का प्रयोग करें. आपका लॉट सिंगुलर काउंटेबल नाउन है. राइट आंसर नंबर ए. A lot of money is required. Number 7. I saw most of blank space boys. जब भी मात्रा क्वांटिटी संख्या किसी चीज का क्लोज सेंस में इस तरह से आप लेते हो, मीन्स उसमें से अधिकांश ऐसा सेंस होते हो. एक होता है ढेर सारे ओपन सेंस में लेते हो, ओपन सेंस में ए और एन, क्लोज सेंस में ऑलवेज द का प्रयोग करें स्टूडेंट. सो हियर द राइट आंसर इज नंबर सी, द. फिल इन द ब्लैंक with a definite article the. Now come to number 8. He is most handsome man. Generally एक idea है teachers और students के बीच में कि most superlative degree होता है, अतः उसके पहले द होना चाहिए. याद रखें जब भी superlative degree adjective हो तो उसमें एक superlative degree pointer का होना अति आवश्यक है. यदि pointer है तो द का प्रयोग करें और यदि pointer नहीं है तो कोई आर्टिकल नहीं और यदि उसके साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो फिर ए या एन का प्रयोग में से ए का प्रयोग करेंगे, क्योंकि मोस्ट का पहला अक्षर एम कॉन्सोनेंट होता है. तो यहाँ देखिए ही इज मोस्ट हैंडसम मैन में कोई भी पॉइंटर नहीं है हियर देयर ऑफ और इस तरह का जो कि क्लियर कर दे कि सुपरलेटिव डिग्री में है, अतः यहाँ सुपरलेटिव डिग्री नहीं है. चूंकि मोस्ट हैंडसम के साथ एक सिंगुलर कॉमन नाउन मैन लगा हुआ, अतः राइट आंसर आपका नंबर ए होगा. ए, ही इज अ मोस्ट हैंडसम मैन. सो नंबर 8 आपका क्लियर हो गया. ही इज अ मोस्ट हैंडसम मैन. यदि यहाँ पॉइंटर होता हियर देयर ऑफ ऑल और भी बहुत सारे पॉइंटर्स हैं स्टूडेंट्स तो फिर द का प्रयोग होता. मैन होता या ना होता तो आपका सेंटेंस हो जाता ही इज द मोस्ट हैंडसम मैन हियर, ही इज द मोस्ट हैंडसम मैन ऑफ ऑल. Now come to number 9, Ganga. Ganga is a proper noun. याद रखें, जब भी proper noun किसी person या place का हो तो generally उसके पहले article नहीं होता. मोहन के पहले generally no article, पटना के पहले generally no article. लेकिन इन दोनों के अलावा और जितने भी proper nouns होंगे उनके साथ हमेशा the का प्रयोग करें. फिर उन सारे the वाले proper nouns में एक ऐसा होगा जो होल दिखाएगा और एक ऐसा होगा जो उस होल का एक पार्ट दिखाएगा. जैसे हिमालयास एक बहुत बड़ा पर्वतमाला है और माउंट एवरेस्ट उसका एक अंग है, उसका एक हिस्सा है. तो होल के पहले द लगाएंगे, द हिमालयास, बट उसके पार्ट के पहले आर्टिकल नहीं लगाएंगे, माउंट एवरेस्ट. इन बातों को याद रखिएगा. अब यहाँ गंगा किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, ये एक नदी का नाम है. प्रॉपर नाउन ऑफ पर्सन और प्लेस के अलावा है, अतः इसके पहले द का प्रयोग आप करेंगे. राइट आंसर नंबर बी, द गंगा इज ए सैक्रेड रिवर. नंबर 10, ही डाइड विदाउट एयर. एयर ऐसे एक से शुरू होने वाले 7 शब्द हैं, कुल मिलाकर 7 वर्ड्स हैं. उनका पहला अक्षर H होता है, बट उनका प्रोनाउंसिएशन उसके बाद आने वाले वॉवेल से होता है. तो यदि उनके साथ आर्टिकल की स्थिति बनती है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होने की स्थिति में, तो उसके पहले हमेशा एन का प्रयोग करेंगे. उन 7 में से पहला वर्ड आपका एयर है. एयर मीन्स उत्तराधिकारी, वंश, औलाद. ही डाइड विदाउट कौन सा एयर, ऐसा क्लियर नहीं है, मतलब इंडेफिनिट सेंस में जा रहा है, अतः यहाँ एन का प्रयोग करेंगे. राइट आंसर इज नंबर 8. फिल इन द ब्लैंक विद इंडेफिनिट आर्टिकल एन. And the sentence will now be, he died without an ear. Now come to question number 11. I saw blank space U fold. U adjective जो noun है, adjective के रूप में word आया है. U उसका first letter E है. E generally N लेता है, but यदि E के बाद U या W हो तो फिर वो U का उच्चारण करता है, जिसके वजह से A का प्रयोग होता है. सो आई सॉ अ U fold. सो राइट आंसर इज नंबर A, अ U fold. आई सॉ अ U fold. याद रखना है, जब भी E के बाद U या W हो तो उसके पहले आने वाला आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल, हमेशा आ होगा. बाकी सारे केसेस में E के पहले N का प्रयोग होगा. नंबर 12, शी वॉज इन हेस्ट. हेस्ट here is an abstract noun, an uncountable noun. Uncountable noun कभी an नहीं लेगा और यहाँ ये particular sense में नहीं है, अतः the की स्थिति भी नहीं बन रही है. अतः right answer to question number 12 will be number D, no article. यहाँ article की स्थिति नहीं बन पा रही students. Number 13, Mona is in hurry. Hurry is equivalent to haste, but there is a difference. Haste is an uncountable noun, while hurry can be counted. सुबह का जल्दीबाजी, ऑफिस की जाने की जल्दीबाजी वगैरह वगैरह वगैरह, तो वहाँ एक कॉमन नाउन के सेंस में आता है. अतः hurry is a countable noun, सिंगल countable noun है, अतः इसके पहले ए की जरूरत होगी. So right answer is number A. Fill in the blank with the indefinite article A. So the sentence is, Mona is in a hurry. जबकि 12 में इसके कंट्रास्ट में देखें, she was in haste. Come to sentence number 14. He is elder brother, blank space, elder brother of mine. जब भी of plus genitive केस हो और उसके पहले एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो हमेशा कई में से एक, यानी वन ऑफ मेनी का सेंस होता है. और ऐसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले या एडजेक्टिव प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए या एन का ही प्रयोग होगा. सो हियर द राइट आंसर इज नंबर ए, सॉरी नंबर सी, क्योंकि एल्डर का फर्स्ट लेटर ई आपका वॉवेल है. सो नंबर सी, एन एल्डर ब्रदर. द सेंटेंस विल नाउ बी, ही इज एन एल्डर ब्रदर ऑफ माइन. नाउ कम टू नंबर 15, हिट मी ऑन द नोज. नाउ जब भी आपको कोई हिट करेगा तो आपको पता है कि वो कौन से अंग पे चोट लगा, नाक पे कि कान पे. हमेशा ये पर्टिकुलर टारगेट या एक्शन का टारगेट जब भी हो तो हमेशा पर्टिकुलराइज्ड होगा, तो उसके पहले द का प्रयोग करेंगे. सो राइट आंसर इज नंबर ए, ही हिट मी ऑन द नोज. नाउ कम टू नंबर 16, ही केम ऑन 5 जुलाई. याद रखें, ऑन प्लस डेट का नाम, ऑन प्लस डेट्स नेम जनरली टेक्स नो आर्टिकल. लेकिन यदि इसके साथ ऑफ का प्रयोग हुआ हो तो फिर द का प्रयोग होगा. इस क्वेश्चन नंबर 16 के ब्लैंक स्पेस में किसी आर्टिकल की स्थिति नहीं बन रही, क्योंकि डेट प्लस मंथ के बीच में कोई प्रीपोजिशन ऑफ नहीं आया है. हेंस राइट आंसर इज नंबर डी, नो आर्टिकल ऑन 5 जुलाई. बट देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 17 को, शी लेफ्ट ऑन ब्लैंक स्पेस 5th of March, यहाँ डेट और मंथ के बीच में प्रीपोजिशन ऑफ आया है, अतः यहाँ द का प्रयोग करेंगे। राइट आंसर इज नंबर बी, द सेंटेंस विल नाउ बी शी लेफ्ट ऑन द 5th of March, आंसर नंबर बी। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 18, ही केम ऑन डैश 3rd Monday। याद रखें ऑन प्लस डे का नाम, ऑन प्लस डेज नेम के बीच में कोई आर्टिकल नहीं आता, लेकिन यदि उसके साथ कोई ऑर्डिनल नंबर लगाओ तो फिर वी हैव टू यूज द डेफिनेट आर्टिकल द। यहां मंडे के साथ एक ऑर्डिनल नंबर 3rd है, सो द राइट आंसर इज नंबर ए। फिल इन द ब्लैंक विद द डेफिनेट आर्टिकल द, सेंटेंस विल नाउ बी ही केम ऑन द 3rd Monday। नाउ कम टू सेंटेंस नंबर 19, who is it on duty? Who is it on duty? Now on duty, duty याद रखें प्रीपोजिशन प्लस अनकाउंटेबल नॉन और एब्स्ट्रैक्ट नॉन कभी आर्टिकल नहीं लेता। ड्यूटी इज एन अनकाउंटेबल नॉन, इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट नॉन, हेंस नो आर्टिकल इज रिक्वायर्ड हियर, सो द राइट आंसर इज नंबर टी, नो आर्टिकल, इसे आप ब्लैंक छोड़ दें। एंड नंबर 20, सेंटेंस नंबर 20, बॉम्बे इज डैश लंदन ऑफ इंडिया। जब भी कोई प्रॉपर नाउन किसी सब्जेक्ट प्रॉपर नाउन की विशेषता बताए तो वो ए या एन लेता है, लेकिन यदि वो पर्टिकुलराइज्ड हो तो फिर उसके साथ द का प्रयोग करना पड़ेगा। सो यहाँ लंदन बॉम्बे की विशेषता बता रहा था अ लंदन, लेकिन यहाँ लंदन को खास बनाया गया है, पर्टिकुलराइज किया गया ऑफ इंडिया एडजेक्टिव फ्रेज से, एंड द राइट आंसर विल बी नंबर सी, the definite article, hence the sentence will now be Bombay is the London of India। इस तरह से आर्टिकल MCQ हो चाहे सिंपली सेगमेंटेड हो या किसी भी तरह से हो, आप हमेशा याद रखें सिंगल काउंटेबल नाउन जनरल सेंस में ए और एन, बाकी किसी नाउन के साथ आर्टिकल नहीं होता, लेकिन जैसे ही आपका नाउन वो आइडिया पर्टिकुलराइज्ड हो जाता है तो वो चाहे सिंगुलर हो, प्लूरल हो, काउंटेबल हो, अनकाउंटेबल नाउन हो, हमेशा द का प्रयोग होता है। स्टूडेंट्स आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।